ये क्वेश्चन है फिर, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो एक वॉल है, एक ब्लॉक है 1 kg का, इसको हमने पुश किया 20 न्यूटन के फोर्स से। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 1/4। Another horizontal force of 10 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. देखो, horizontal और parallel to the wall का मतलब क्या है? तो wall ऐसे है, अब horizontal भी है, तो actually वो क्या होगा? Wall के parallel और horizontal, मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे अंदर की तरफ ये force होएगा, ठीक है? Wall को हम कैसा मान रहे हैं? इस screen के perpendicular। अब ये force तो horizontal है wall की तरफ, एक और force जो पैरेलल टू वॉल है और हॉरिजॉन्टल है, वो कैसा आएगा? एक्चुअली ऐसा आएगा, पैरेलल टू वॉल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये अगर इस फिगर के हिसाब से देखें तो इनसाइड द प्लेन ऐसा हमको दिखाई देगा, या फिर हम इसको अगर ऐसा मान लें कि ये वॉल है, ठीक है? तो पहले फिगर को समझना चाहिए, ये वॉल है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसको तो हमने ब्लॉक को क्या किया, एक तो ऊपर से दबाया वॉल की तरफ, ये फोर्स अब 20 न्यूटन हो गया, और एक फोर्स पैरेलल टू वॉल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसा वाला हो। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है? विल दी ब्लॉक मूव, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? देखो, ये जो फोर्स हमने पैरेलल टू वॉल लगाया, इसका नॉर्मल में कोई रोल नहीं आएगा, तो नॉर्मल तो 20 न्यूटन के बराबर आएगा, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एन, ये कितना लग सकता है? 1/4 × 20, यानी कि 5 न्यूटन लग सकता है। अब चलाने वाला फोर्स क्या? देखो, 20 न्यूटन तो दीवार में दबाने वाला है, चलाने वाला क्या हो गया? एक ये फोर्स F हो गया, जो कि कितना लगा रहे हैं हम? 10 न्यूटन, और एक mg भी हो जाएगा, जो पैरेलल टू वॉल लगेगा, 10 न्यूटन, ठीक है? तो और 10 और 10 भी कैसे लग रहे हैं? परपेंडिकुलर। जैसे ये F ऐसे लगा, 10 न्यूटन जो वेट है वो तो नीचे लग रहा है, और ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा, तो पैरेलल टू वॉल जो नेट फोर्स आएगा चलाने वाला, 20/10√2, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब रोकने वाला फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग सकता है, और चलाने वाला 10√2, तो ब्लॉक चलेगा तो सही। तो इफ यस, तो या यस, ब्लॉक विल एक्सीलरेट। अगर करेगा तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक वॉल ऑन द ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन लगेगा, ठीक है? और एक्सीलरेशन भी कोई पूछ सकता है, एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लग जाएगा और एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 10√2 माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 5 बाय मास कितना है? 1। तो दिस इज द आंसर, 10√2 माइनस 5, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, बॉडी चलेगी और फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 न्यूटन।